से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। शैक्षणिक परिसरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अंकित पटेल, राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, इसका मुख्य बिंदु क्या है? अभी हमारी 25 से 28 मई 2023 में पुणे में जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई थी, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और आगामी 6 वर्षों में हम क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा हुई और 4 प्रस्ताव भी, जैसा कि गौरी जी ने बताया कि उसमें 4 प्रस्ताव पारित हुए। इसमें मुख्य मुद्दा एक पूरे देश भर से निकल कर आया, जिसमें छात्र संघ चुनाव को लेकर आया, क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसी इकाई होती है जहाँ से नेतृत्व निकल कर आता है। तो छात्रों के मुद्दों को सकारात्मकता देने के लिए और छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव का मामला बहुत ढीला होता जा रहा है। और क्योंकि क्या है, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेतृत्व भी निकलकर कॉलेज से नहीं आ रहा है। एबीपी जो संस्था है, वह किसी पार्टी या दल को बिलोंग करती है? नहीं, विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है जो स्वयं का, जिसका स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी और बाकी अपने जो आरएसएस की विचारधारा उससे काम करता है। गुप्ता है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रिज प्रांत का प्रांत मीडिया संयोजक ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। आज जो प्रेस वार्ता हुई है, इसे लेकर के किस तरह से आगामी रणनीति रहेगी, कौन कौन सी बिंदुओं पर बात हुई? देखिए, बिंदु तो हमारे इस जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कई सारे बिंदु हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराना है। उसमें अभी पूर्व में हमारे एक साथी कार्यकर्ता ने बताया आपको छात्र संघ चुनावों के बारे में किस प्रकार से वो आवश्यक हैं, लेकिन कई प्रकार के छात्र चुनाव क्यों आवश्यक हैं? देखिए, विद्यार्थी एक ऐसा वर्ग होता है जो अकेले में अपनी बात को सहजता से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है या जो महाविद्यालय प्रशासन है उनके सम्मुख नहीं रख पाता, तो ऐसे में आवश्यकता एक ऐसे संगठन की होती है जो उसके बात को सही तरीके से और सही स्थान पर रख सके। तो इसके लिए छात्र राजनीति की आवश्यक है, क्योंकि छात्र राजनीति से ही देश में एक ऐसी राजनीति का जन्म होगा जो डेवलपमेंट की बात करेगी, जो विकास की बात करेगी। और विद्यार्थी परिषद तो शुरुआत से ही डेवलपमेंट की ही बात करता है, तो ऐसे में विद्यार्थी परिषद उन छात्र नेताओं को आगे लाना की प्रयास में रहता है जो अपने महाविद्यालय, अपने विद्यालय, अपने इंटर कॉलेजों से विकास की गंगा बहा करके अपने देश की संसद तक विकास के उस पथ को अग्रसर रख सके। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु इस बैठक में रहा था जो हमारी पुणे में हुई, उसमें आनंदमय सार्थक छात्र जीवन अभियान एक ऐसे करके हमारा अभियान है। इस अभियान के माध्यम से हम देश भर में उन विद्यार्थियों के समक्ष जाएंगे जो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो संघर्ष से गुजर रहे हैं और अपनी बातें कहीं पे भी नहीं रख सकते, तो ऐसे विद्यार्थियों के अंदर उनका मेंटल स्ट्रेस किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से उन पे जो कोर्स वर्क का लोड है वो कम किया जाए और जो एक परिसर है वो कैसे उनके लिए फ्रेंडली बिहेव करे, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर विद्यार्थी परिषद अब वर्ष भर काम करने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको अवगत कराता हूँ। धन्यवाद।